मजा आया। तो भाई आज से पहले आप लोगों ने डीजे टिकल तो बहुत बार चलाई होगी, लेकिन आज के बाद जो आप लोग डीजे टिकल चलाने वाले हो, तो आप लोग डीजे टिकल चलाओगे नहीं, आप लोगों की डीजे टिकल है वो आग उगलेगी। मैं नहीं मानता। तो जितने भी लोग आज के इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे तुम सभी से आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखो आज से पहले आप लोगों ने मेरे को नहीं पता कितनी डीजे टिकल के ऊपर वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज की वीडियो तुम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनका तुम अगर यूज करोगे तो चाहे आप लोग बैठे हो, खड़े हो, लेट रहे हो, हग रहे हो, मूत्र रहे हो, कुछ भी करो, ठीक है, आप लोगों के ओनली और रेड नंबर ही पड़ेंगे। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो कहते देखो, जब भी आप लोग किसी बंदे को मारने के लिए डीजे टिकल गन का यूज करते हो, तो उस टाइम पे आप लोगों के सामने कुछ प्रॉब्लम आती है। जैसे आप लोग की गन या तो बजर रिकॉल खाएगी, या फिर आप लोग के बॉडी शॉट बहुत ज्यादा पड़ते हैं, या फिर आप लोग की एमओ जो होती है बहुत ज्यादा हवा में फायर होती है। भाई मुंह की बात छील ली। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, फिर जो भी समस्याओं का आप लोगों के मन में विकास होता है, वो आज के बाद नहीं होने वाला, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी ओपी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं जिनका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोगों के किसी भी बंदे को ओनली ऑन डीजे टिकल से रेड नंबर पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मेरी तरफ से तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, मीडियम दीपावली और उससे भी बड़ी दीपावली, जो भी दीपावली आने वाली, उन सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ ये कर लो पहले। और हाँ, इसके साथ ही आप लोगों को छोटा सा काम और करना है कि देखो आप लोग ये वीडियो दीपावली से पहले देख रहे हो, दीपावली के बाद देख रहे हो, दीपावली के दिन देख रहे हो, सिंपली आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके हैप्पी दीपावली लिख के कमेंट कर देना है। और इस दीपावली के शुभ अवसर पर तुम सभी के लिए एक छोटी सी शुभकामनाएं और मैं देना चाहता हूं कि अगर आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में 500 डायमंड जीतना चाहते हो, फिर आप लोग 500 डायमंड के गिवअवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप लोगों को सिंपली आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को बस अपनी यूआईडी साथ एक मैसेज डाल देना है, तो आप में से 5 रैंडम बंदों को मेरी तरफ से मैं हंडर हंडर करके डायमंड में दे दूंगा। इतनी खुशी। तो चलो भाई बिना किस टाइम वेस्ट हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूं, जो कुछ भी दिखाने वाला हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझेंगे। इस वीडियो का एक एक पार्ट तुम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई देखो, जब भी आप लोग किसी भी बंदे को किसी भी गन से मारते हो, तो उस टाइम पे आप लोग तीन रेंज में ही फाइट करते हो। पहली तो होती है आप लोग की शॉर्ट रेंज, दूसरी होती है आप लोग की मिड रेंज और तीसरी होती है आप लोग की लॉन्ग रेंज। और आप लोगों के ना तो शॉर्ट रेंज में वन टैप पड़ते हैं, ना ही आप लोग के लॉन्ग रेंज में वन टैप पड़ते हैं, ना ही आप लोग के मिड रेंज में वन टैप पड़ते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो भाई देखो, फ्री फायर के अंदर जब एनिमी आपके इतना करीब होता है तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज, अगर आप लोगों के एनिमी इतना दूर होता है तो उसको हम बोलते हैं मिड रेंज, और अगर आप लोगों के एनिमी बहुत ही ज्यादा दूर है जिसको हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज। तो चलो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की ट्रिक के बारे में, बात वो है आप लोगों की शॉर्ट रेंज हेडशॉट ट्रिक। अगर आपके सामने कोई एनिमी शॉर्ट रेंज में होता है तो उस टाइम पे आप लोगों को उसे किस तरीके से वन टैप मारना है। यहाँ पर मैं आपको दूसरे यूट्यूबर की तरह घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको सिंपल से स्टेप बताऊंगा जिनको आप लोगों को हमेशा फॉलो करना है। अब वो तो मैं कल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और सामने वाले एनिमी है या फिर जो मेरा फ्रेंड है उसका नेटवर्क चला गया था जिससे मैं अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर पाया। तो देखो, जब भी आप लोग किसी भी एनिमी से शॉर्ट रेंज में फाइट लो, तो उस टाइम पे आप लोगों को अपना जो एम होता है उसे कुछ इस तरीके से बाहर रखना, और जिधर की साइड एनिमी होता है उस डायरेक्शन में अपने फायर वाले बटन को एक साथ झटके से ऊपर की साइड खींच देना है। अब देखो, एक बार मैं आपको वापस समझाता हूं कि अगर आपके सामने कोई एनिमी शॉर्ट रेंज में होता है तो उस टाइम पे आप लोगों को जो अपना एम होता है उसे कुछ इस तरीके से बाहर रखना है। बाहर रखने के बाद आप लोगों का जिधर की साइड एनिमी होता है उस डायरेक्शन में अपना फायर वाला बटन झटके से एक साथ ऊपर की साइड खींच देना है। बस आपको इसमें यही छोटा सा काम करना है और कोई कारीगरी करने की जरूरत नहीं है। तो चलो भाई अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके सामने कोई एनिमी मिड रेंज में होता है, फिर आपके सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है, तो उसे आप लोगों को किस तरीके से वन टैप मारना है। तो चलो भाई सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में हो तो उस टाइम पे आप लोगों को ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसका फॉलो करना है। तो भाई यहाँ पर अभी मैं आपके सामने क्लिप लगाने वाला हूँ जिसको मैंने पूरा का पूरा स्लो मोशन में कर दिया है। देखो, अगर आपके सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है या फिर आप लोग किसी एनिमी से लॉन्ग रेंज में फाइट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप लोगों को सिंपल सी एक ट्रिक फॉलो करने की, आप लोगों को अपना एम जो होता है उसे रेड करना होता है, और उस टाइम पे अपना जो फायर वाला बटन होता है उसे हल्का सा ऊपर की साइड ड्रैग कर देना है। तो भाई अभी हम बात करने वाले फ्री फायर की सबसे इंपॉर्टेंट रेंज होती है मिड रेंज। मिड रेंज में आप लोग किस तरीके से वन टैप मारोगे या फिर किस तरीके से आप लोग को वन टैप मारना है। उससे पहले आज की इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो, मेरे तुम सभी से आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार देखो, एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूं, तो इसके बदले में बस आपके थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। देखो ये तो मेरे को नहीं पता कि आप लोग सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि अगर हो सके तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि ये बात तुम सभी को पता है कि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं और ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं, बस हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग भी अपनी तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट दिखा रहे हो। तो नीचे साइड देखो, आपको रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना। तो भाई अभी हम बात करते हैं मिड रेंज हेडशॉट ट्रिक के बारे में बात। तो देखो, अगर आप किसी एनिमी के साथ मिड रेंज में फाइट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप लोगों को ना तो अपना एम रेड करना है, ना ही आप लोगों को अपना एम बाय
फाइट करना अब है। अगर मैं आपको सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो अगर आप लोग किसी बंदे को मिड रेंज में रेड ईएम करके मारोगे तब भी आप लोगों का बन टैप पड़ेगा, अगर अपने ईएम को बैठ करके मारोगे तब भी आप लोगों का बन टैप इजी तरीके से ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक ट्रिक है जो कि हमेशा फॉलो करनी है। अब वो फॉलो क्या करना है कि आप लोगों को ना तो अपना ईएम बंदे की तरफ खींचना है, ठीक है, आप लोगों को ये नहीं देखना कि मेरा ईएम रेड है या फिर मेरा ईएम वाइट है। देखो आप लोगों को इस टाइम पे करना क्या है कि अपनी दोनों आंखें बंद कर लेनी और जोर से बोलना जय बजरंगबली की। रेड बटन है तो चलो अभी मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाता हूँ कि देखो आप लोगों को इस टाइम पे ना तो अपना एम बाइट रखना है ना ही आप लोगों को अपना एम रेड रखना है। आप लोगों को सिंपली अपना जो फायर वाला बटन होता है उसे एनिमी के डायरेक्शन में खींचना है। जिधर की साइड एनिमी होता है उस डायरेक्शन में अपने फायर वाले बटन को खींच दो, आप लोगों का एम उस टाइम पे रेड हो बाइट हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों का इजी पीजी बन टैप पड़ जाएगा। देखो आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे जो कि फ्री फायर के अंदर ना तो टॉप करते ना ही आप लोगों के पास डायमंड लेने के पैसे, तो आज की इस वीडियो को जैसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में जाओगे तो वहां पर मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी जहां पर मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। लेकिन आप लोगों की निगाहें या फिर नजरें उस वीडियो पर पड़े उससे पहले मैं तुम सभी से वापस रिक्वेस्ट करता हूं यार, देखो हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन यहां से दबा देना। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।